दर्शकों, ये संकेत बताते हैं कि आप एक साधारण इंसान नहीं हैं। आप में है कुछ खास जो दुनिया को एक दिन जरूर दिखेगा। क्या कोई ऐसा तरीका है जिससे ये पता लगाया जा सकता है कि आप कोई साधारण मनुष्य नहीं हैं, बल्कि ब्रह्मांड आपसे कुछ खास काम करवाना चाहता है और आपको महान व्यक्ति बनाना चाहता है? दर्शकों, इसका जवाब है हाँ। कुछ ऐसे संकेत होते हैं जो हर असाधारण व्यक्ति को मिलते हैं। इन संकेतों से पता लगाया जा सकता है कि आप बहुत खास हैं। जन्म लेने वाला हर व्यक्ति एक समान ही होता है, लेकिन प्रकृति के द्वारा चुने गए कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनसे ब्रह्मांड कुछ असाधारण काम करवाना चाहता है। प्रकृति कुछ ऐसी परिस्थितियों का निर्माण करती है जो साधारण इंसान को स्पेशल बना देती है। अगर आपको भी ब्रह्मांड ने किसी खास उद्देश्य के लिए चुना है तो आपको भी ये लक्षण जरूर दिखते होंगे। दर्शकों, अगर आप परमात्मा के द्वारा चुने गए हैं तो ये प्रकृति आपको कुछ अलग तरीके से तैयार करेगी, और इस तैयारी में आपके आसपास मौजूद किसी भी व्यक्ति का हाथ नहीं होगा, बल्कि आपके अंदर ये गुण पहले से ही होंगे। प्रिय दर्शकों, इस वीडियो में आपको ऐसे संकेत बताने जा रहे हैं जिससे आपको पता चल सकता है कि आप कोई साधारण मानव नहीं हैं। आप साधारण मनुष्यों से अलग है और भगवान हमेशा ही आपके साथ रहते हैं। तो प्रिय दर्शकों, वीडियो को ध्यान से और अंत तक जरूर सुने और सच्चे दिल से कमेंट में जय श्री कृष्ण जरूर लिखें। क्रोध और मोह माया से मुक्त। दर्शकों, असाधारण लोगों के अंदर पहला संकेत ये दिखता है कि उन्हें किसी तरह का काम, क्रोध, लोभ, मोह, माया और अहंकार नहीं घेर सकता। ऐसे लोग इन सभी चीजों से मुक्त होते हैं। हो सकता है कि आप इन सभी भावनाओं के साथ जन्मे हों और कुछ मात्रा में ये आपके अंदर मौजूद भी हों, लेकिन समय के साथ साथ ये आपके अंदर से खुद ही निकल जाती हैं। जिन लोगों को किसी महान कार्य के लिए चुना गया होता है, उनका इस सभी भावनाओं पर पूरा कंट्रोल होता है, चाहे परिस्थितियां कितनी ही बुरी या अच्छी क्यों ना हो। इंट्यूशन पावर। दर्शकों, यह एक पावरफुल संकेत है ये बताने के लिए कि आप असाधारण हैं। ऐसा नहीं है कि आप हर किसी का भविष्य देखने लग जाएंगे, लेकिन हाँ, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत मजबूत होगी, जिसके कारण आप हर क्षेत्र में सही फैसले कर पाएंगे। आपको पता लग जाएगा कि क्या सही है और क्या गलत, और आपकी गट फीलिंग बहुत स्ट्रांग होगी। ईश्वर के साथ गहरा जुड़ा। दर्शकों, अगर आप भी कुछ चुनिंदा असाधारण लोगों में से एक हैं, तो हो सकता है अभी नहीं, लेकिन धीरे धीरे आप उस परम सत्ता के साथ अपना कनेक्शन महसूस करने लगेंगे। इसके लिए आपको किसी तरह के पूजा पाठ, मंदिर जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। आपको अंदर से ही ये फीलिंग आएगी कि आप कहीं ना कहीं किसी परम सत्ता से कनेक्टेड हैं। आप अपनी कंपनी में खुश रहते हैं। दर्शकों, ब्रह्मांड का ये सबसे बड़ा संकेत होता है कि आप दूसरों से बहुत ज्यादा स्पेशल हैं। ऐसे लोगों को किसी दूसरे की कंपनी की जरूरत नहीं होती। कोई साथ आ जाए, ये उसमें भी खुश रहते हैं, और कोई ना हो तो ये कभी प्रभावित नहीं होते। इन्हें अपनी कंपनी में रहना पसंद होता है और यह अपने साथ बिताए हर एक पल में अपनी लाइफ के उद्देश्य के बारे में सोचते हैं, साथ ही वह यूनिवर्स के बारे में पढ़ते रहते हैं। कुल मिलाकर इन लोगों को बोरियत नहीं होती। हर कोई आपकी बात मानता है। दर्शकों, ईश्वर जिन्हें खास बनाता है, उन्हें कुछ खास गुणों के साथ दुनिया में भेजता है। आप असाधारण हैं, इस बात का एक और संकेत है कि लोग आपकी बात आसानी से मान जाते हैं। वो आपको समझदार और बुद्धिमान मानते हैं, और उनके मन पर आप गहरी अमिट छाप छोड़ते हैं,
जिस कारण वे आप पर बहुत आसानी से विश्वास भी कर लेते हैं। प्रिय दर्शकों, अगर किसी मनुष्य को मिलते हैं यह संकेत, तो वह कोई साधारण मनुष्य नहीं होता है। दर्शकों, यह तो हम सभी जानते हैं कि इस ब्रह्मांड के कण कण में ईश्वर का वास है। हर स्थान पर ईश्वर मौजूद है, यहाँ तक कि हमारे अंदर भी ईश्वर का वास है। भगवान भले ही प्रत्यक्ष रूप से दिखाई नहीं देते हैं, किंतु हमें उनकी मौजूदगी का एहसास कई बार होता है, और यह एहसास उन्हीं लोगों को होता है जिनके अंदर कोई विलक्षण शक्ति होती है। प्रिय दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण ने मनुष्य के ऐसे लक्षणों के बारे में बताया है। यदि किसी व्यक्ति के अंदर यह लक्षण दिखाई देते हैं, तो वह कोई साधारण मानव नहीं है। भगवान श्री कृष्ण ने ऐसे मनुष्य को सर्वश्रेष्ठ कहा है, क्योंकि साधारण मनुष्य में ऐसे लक्षण नहीं होते हैं। एक व्यक्ति के अंदर जन्म से ही ऐसे लक्षण दिखाई देने लगते हैं, और जब बड़े हो जाते हैं तो संसार में कीर्ति प्राप्त करते हैं। भगवान श्री कृष्ण के अनुसार प्रत्येक मनुष्य के जन्म के पीछे उद्देश्य होता है। मनुष्य योनि प्राप्त होना साधारण बात नहीं है। 84 लाख योनियों में सर्वश्रेष्ठ मनुष्य योनि को ही कहा गया है। मनुष्य का जन्म लेकर प्राणी जो कार्य कर सकता है, वह किसी अन्य प्राणी के रूप में जन्म लेकर नहीं कर सकता है। दर्शकों, इसीलिए मनुष्य को ईश्वर को धन्यवाद देना चाहिए कि उसे मनुष्य योनि प्राप्त हुई है। मनुष्य का शरीर धारण करने वाले प्रत्येक प्राणी को इसका सदुपयोग करना चाहिए, संसार के कल्याण की भावना से कार्य करने चाहिए। किंतु कुछ मनुष्य इंसान का जन्म लेकर भी जानवरों की तरह बर्ताव करते हैं। यह बात भी सत्य है कि हम में से कुछ लोग बहुत भाग्यशाली होते हैं, क्योंकि उन पर ईश्वर की विशेष कृपा होती है और कुछ ऐसी शक्तियां उनके आसपास हमेशा विद्यमान होती है, जो हर समय उन्हें सही मार्ग दिखाती है और हर मुश्किल में सहायता करती है। दर्शकों, यही नहीं, यह ईश्वरीय शक्तियां कुछ ऐसे व्यक्तियों को चुनती है जो खुद भी सही मार्ग पर चलते हैं और दूसरे लोगों का भी सही मार्गदर्शन करते हैं। ये लोग दूसरों को भी धर्म के मार्ग पर चलने के लिए प्रेरित करते हैं। लेकिन आप यह कैसे जान सकते हैं कि आपके साथ कोई अलौकिक शक्ति है जो सदैव ही आपकी रक्षा कर रही है, जिसके कारण आप कई बार मौत को छूकर निकल जाते हैं, किसी बड़ी दुर्घटना से आप बच जाते हैं, या कभी किसी बड़ी मुसीबत में नहीं फंसते हैं? ये सब कुछ उस अलौकिक शक्ति के कारण हो रहा है जो आपकी हमेशा रक्षा कर रही है। आप उसे माने या न माने, लेकिन वह हमेशा ही आपके साथ मौजूद रहती है। दर्शकों, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो मनुष्य किसी भी कार्य को करते समय सुख दुख के बारे में विचार नहीं करता है, चाहे सर्दी हो या गर्मी हो, वह कभी अपने कार्य को बीच में नहीं छोड़ता है। चाहे कितने भी संकट खड़े हो जाएं, वह अपने मार्ग से विचलित नहीं होते, हर परिस्थिति में अपने काम में लगा रहता है। चाहे उसे लोग भला करे अथवा बुरा, वह अपना कार्य पूरी निष्ठा के साथ करता है। उसे खुद पर और ईश्वर पर पूरा विश्वास होता है कि एक दिन वह अवश्य सफल होगा। दर्शकों, जो व्यक्ति समाज के प्रति अपना दायित्व समझते हुए अच्छे और पुण्य का काम करता है, मुसीबत में फंसे लोगों की तथा गरीब और लाचार व्यक्तियों की मदद करता है, आपदा और विपदा आने पर पशु पक्षियों की मदद करता है, बुजुर्गों का तथा शरीर से अपंग व्यक्ति का अपमान नहीं करता, कभी किसी को हीन समझकर उसका तिरस्कार नहीं करता है, वही इंसान हम मनुष्यों में सर्वश्रेष्ठ होता है। हर व्यक्ति में ऐसे गुण नहीं होते हैं जिन लोगों पर ईश्वरीय कृपा होती है। उनके अंदर ही ऐसे लक्षण होते हैं जो खुद पुण्य के काम करता है और दूसरों को भी ऐसे काम करने के लिए प्रेरित करता है। दर्शकों, जो मनुष्य कभी दूसरों की बुराई नहीं करता,
भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति जीवन में कभी दूसरों की बुराई नहीं करता, वह सदैव ही दूसरों के विषय में अच्छी बात नहीं करता है, वही व्यक्ति सर्वश्रेष्ठ होता है। आजकल लोग छोटी छोटी बातों पर दूसरों की बुराई करते हैं। हर वक्त दूसरों को अपमानित करना, दूसरों की चुगली करना, दूसरों का अहित करना, ऐसे प्रकार के निंदित कार्य करते रहते हैं। इसी कारण से वे लोग जीवन में कभी सफल नहीं होते हैं। दर्शकों, कुछ लोगों को हमेशा अपने आसपास एक विशिष्ट प्रकार की सुगंध का अनुभव होता है। हमेशा सुगंधित फूल, धूप, अगरबत्ती या कपूर जैसी पवित्र सुगंध का झोंका सा हवा में तैरता हुआ सा महसूस होता है, तो यह उसके आसपास ईश्वर की उपस्थिति का संकेत होता है और देवी देवताओं का आशीर्वाद उस व्यक्ति पर होता है। दर्शकों, जो व्यक्ति अपने दैनिक कार्यों से बचा हुआ समय ईश्वर की भक्ति, आराधना और नाम स्मरण में व्यतीत करता है और ईश्वर को ही सत्य मानते हुए उसकी अनुभूति करने में समर्थ होता है, वास्तव में उस व्यक्ति के आसपास एक ईश्वरीय शक्तियों का पवित्र घेरा होता है, जिसके कारण उसे ईश्वर का आभास होता रहता है। इन लोगों को ईश्वर पर पूर्ण विश्वास होता है, चाहे दुख हो या सुख, हर परिस्थिति में ईश्वर को याद करते हैं और कभी ईश्वर का अपमान नहीं करता है। प्रिय दर्शकों, कई बार हम मंदिर में या किसी धार्मिक स्थल पर भजन कीर्तन या कथा सुनने जाते हैं। कितने भी सुंदर भजन हो या कितनी भी अच्छी कथा हो, बीच बीच में हमारा ध्यान भटक जाता है और हम कभी अपने घर के विषय में तो कभी अपने किसी समस्या पर या फिर आसपास बैठे लोगों का विचार करने लगते हैं। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं जो यही भजन कीर्तन या कथा सुनने में इतने तल्लीन हो जाते हैं कि उन्हें किसी भी बात का होश नहीं रहता है। उन्हें बस अपने आसपास पवित्रता का एहसास होता है और बहुत सी शुभ ध्वनियां सुनाई देती है, जैसे कि शंख, बांसुरी, मंदिर के घंटे की आवाज। निश्चित ही ऐसे व्यक्ति ईश्वर की कृपा के अधीन होते हैं और ईश्वर उनके बहुत ही समीप होते हैं और इसलिए ही उन्हें इन चमत्कारी ध्वनियों का आभास होता है। जो व्यक्ति ईश्वर के चरणों में ही परमानंद की अनुभूति करता है और ईश्वर भक्ति को ही वास्तविक आनंद मानता है, ऐसा व्यक्ति न तो कभी दुखी रह सकता है और न ही किसी को दुख दे सकता है। ऐसे व्यक्ति का मन और मस्तिष्क हमेशा शांत रहता है, जिससे वह कभी भी सत्य और सदाचार के मार्ग से विचलित नहीं होता है। यही उसे ईश्वर से मिला हुआ एक विशेष आशीर्वाद होता है, जिससे वे हमेशा समाज में एक आदर और सम्मान का स्थान प्राप्त करते हैं। दर्शकों, अगर आप स्वयं की पत्नी के प्रति वफादार है, कभी आपने पत्नी के साथ धोखा नहीं किया है, कभी किसी पराई स्त्री से किसी भी प्रकार का रिश्ता नहीं रखा है, आप पराई स्त्रियों को माता और बहन मानते हैं, तो आप धन्य है। अगर आप केवल अपने ही पति से प्रेम करती है, अपने ही पति की वफादार है, अपने ही पति को सर्वस्व मानती है, आपके मन में कभी पराए पुरुष के लिए विचार नहीं आते हैं, तो निश्चित ही आप एक महान पतिव्रता स्त्री हैं। आप पर माता लक्ष्मी की कृपा सदैव बरसती रहेगी अगर आप कभी किसी के साथ छल नहीं करते हैं, लोभ और लालच के लिए मित्र तथा परिवार के साथ दगा नहीं करते हैं और कभी अशोभनीय कार्य नहीं करते हैं, सभी के साथ मिलजुल कर प्रेम से रहने का प्रयास करते हैं, तो आप निश्चित ही पुण्य आत्मा है। आपके घर में होने से उस घर में सुख शांति का वास है। आपके कारण ही आपके परिवार के लोग पापों से मुक्त होकर सुखपूर्वक जीवन जी रहे हैं। दर्शकों, जो इंसान अन्याय नहीं करता, भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, जो व्यक्ति कभी दूसरों के साथ अन्याय नहीं करता, कभी दूसरों का धन नहीं रखता है, कभी भी दूसरों की मजबूरी का फायदा नहीं उठाता, वही व्यक्ति श्रेष्ठ होता है। जो मनुष्य कभी दूसरों की आजीविका पर चोट नहीं करता है,
और न ही कभी दूसरों से घृणा करता है। वह मनुष्य संसार में कीर्ति पाता है। प्रिय दर्शकों, हमारे शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त का समय बहुत ही शुभ माना जाता है। यह दिन का सबसे महत्वपूर्ण समय होता है। शास्त्रों में इसे देवताओं का समय कहा गया है, क्योंकि इस समय पर वातावरण में एक अनोखी सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है। इसीलिए शास्त्रों में ब्रह्मा मुहूर्त को ही जागने के लिए सर्वश्रेष्ठ माना गया है। दुनिया में ज्यादातर लोगों की नींद ब्रह्मा मुहूर्त के समाप्त होने के बाद ही खुलती है, परंतु अगर किसी व्यक्ति की नींद रोज ब्रह्मा मुहूर्त पर अपने आप खुलने लग जाती है तो यह एक अलौकिक संकेत समझा जाता है। नित्य ब्रह्मा मुहूर्त पर जगने वाले लोग जीवन में कभी पराजित नहीं होते हैं। इस समय पर जागने वाले लोग सदैव प्रसन्न चित्त रहते हैं और ईश्वर की भक्ति में अपना मन लगाते हैं। इनकी बुद्धि अन्य लोगों से तेज होती है और यह बहुत ही समझदार होते हैं। ब्रह्मा मुहूर्त पर जागने वाले लोगों का मन जलाशय की भांति शांत होता है। यह कभी क्लेश और लड़ाई झगड़े नहीं करते हैं, कभी वाद विवाद में नहीं फंसते हैं। ऐसा व्यक्ति निश्चित रूप से ईश्वर की इच्छा के अनुसार ही ऐसा करता है। उसे ऐसा करने के लिए ईश्वरीय शक्ति ही प्रवृत्त करती है। प्रिय दर्शकों, पूर्वाभास ना संसार में कुछ ही लोगों के पास एक अनोखी शक्ति होती है, जिससे उन्हें भविष्य में होने वाली कुछ विशेष घटनाओं का आभास पहले ही हो जाता है। भविष्य में कुछ बुरा होने वाला होता है तो उसका पता इन्हें पहले ही चल जाता है। इनका मन अचानक ही बेचैन हो जाता है। आसपास के वातावरण में इन्हें बदलाव महसूस होने लगता है। प्रकृति में इन्हें कुछ ऐसे दृश्य दिखाई देते हैं जो अशुभ होते हैं, जिससे इन्हें पता चल जाता है कि कुछ बुरा होने वाला है और यह सच हो जाते हैं। तो दर्शकों, उम्मीद करता हूं कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और आप हमारे चैनल पर नए हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आपके एक लाइक से ही हमें प्रेरणा मिलती है और हम मोटिवेट होते हैं। धन्यवाद।